और अब बात करते हैं उस घुटन की, उस परेशानी की जिससे रोज हम दो चार होते हैं। दौर इस दौर की अगर सबसे बड़ी मुश्किल की हम कोई बात करें तो वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण को हल्के में लेने वाले लोगों को WHO के डायरेक्टर जनरल द्वारा कही गई एक बात भी ध्यान देने वाली होगी। WHO के DG ने कहा है कि वायु प्रदूषण एक प्रकार का नया तंबाकू बन चुका है, मतलब कि ये एक तरीके से कहें कि एक तरीके का न्यू टोबैको इसे करार दिया जा रहा है। सिर्फ सांस लेने से ही दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों की मौत हो रही है हर साल अगर हम देखें, और खराब हवा करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया की 90% से ज्यादा जनसंख्या जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को हो रहा है। वर्ष 2016 में अगर हम देखें तो 6 लाख बच्चों की मौत सिर्फ प्रदूषित हवा की वजह से हुई, क्योंकि प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से उनको बहुत तरीके की बीमारियां हुई और जिसकी वजह से जान चली गई। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया के 30 करोड़ बच्चे ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां जहरीली हवाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों से 6 गुना ज्यादा है। और शर्म की बात यह है कि वर्ष 2018 में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 शहर अमेरिका या चीन के नहीं बल्कि आपके देश भारत के हैं। इसमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल। दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से सिर्फ लोगों की मौत ही नहीं होती है बल्कि प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारी और इलाज में पूरी दुनिया के प्रतिवर्ष 365 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है, जो दुनिया की कुल GDP का करीब 6% है। और क्या वाकई में एक तरीके से कहीं ऑप्शन है कोई इस जहरीली हवा में सांस लिए बिना, क्योंकि सांस हर किसी को लेनी है, हवा की जरूरत सभी को है, तो ऐसे में विकल्प क्या होगा। दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली की हवा देश भर में सबसे ज्यादा जहरीली हो चली है। पीतमपुरा, चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट और मथुरा रोड की हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए हो रही तमाम कवायदें नाकाफी साबित हो रही है। तो मथुरा रोड पर गुणवत्ता सूचकांक 440 पर पहुंच गया, तो वही दिल्ली के कई अन्य हिस्सों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर बना हुआ है। और सर प्रदूषण की वजह से गले में सूखन सी और थोड़ा और खराब सा लगता है और सांस लेने में तकलीफ भी बहुत होती है सर, और काफी परेशानी पड़ती है सर। जब हम रनिंग कर रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम जैसे पहले दौड़ते थे, इस पॉल्यूशन से पहले दौड़ा करते थे तो एक स्पीड रहती थी, अब स्पीड बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सर। ये महसूस हो रहा है हमें कि इससे प्रॉब्लम हो रही है। हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते तो हमें ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है, आंखों में वो धुआं लगता है, और इस बार कुछ ज्यादा ही है और साथ साथ दिवाली भी आ रही है तो ये ज्यादा ही होने के चांसेस हैं। मैं राष्ट्रपति भवन तक जाता हूँ लेकिन अभी 3-4 दिन से ज्यादा पोल्यूशन है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा। अभी तो थोड़ा श्वास का भी सबका प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें कितना वॉकिंग के लिए आ रहा है ना, सब लोगों के लिए 80% श्वास का थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं और कैसे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अभी आप खुद भी सुन रहे थे। तो वहीं लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक रिपोर्ट पहुंचाएं। जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन दिल्ली की जहरीली हवा का जायजा लेने के लिए निकली, उन्होंने क्या कुछ पाया उनकी रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली और NCR में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो सिवियर और वेरी पुअर कैटेगरी में अलग अलग इलाकों में देखा गया है। और रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, कई इलाकों में सिवियर है और कई इलाकों में वेरी पुअर कैटेगरी में दिखा रहा है। सफर ऐप की अगर हम बात करें तो आप सामने अगर देखेंगे नोएडा का ये इलाका है और पूरी तरीके से धुंधला आपको नजर आएगा कैमरे की नज़र से जो हम दिखा रहे हैं आपको। आप देखेंगे जो इमारतें सामने हैं वो बहुत धुंधली हैं, और ये धुंध नहीं है, ये पॉल्यूशन है जो कि बेहद खतरनाक लेवल्स तक इस वक्त पहुंच गया है। और ये इतना खतरनाक है कि डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि ऐसी स्थिति में जब सिवियर कैटेगरी में पोल्यूशन पहुंच गया हो, पर्टिकुलेट मैटर चाहे वो PM 2.5 हो या 10 हो, उसके लेवल्स इतने हाई हों तो आपको आउटडोर एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। खासतौर से अगर आप एक्सरसाइज आउटडोर करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपको आउटडोर नहीं करना चाहिए। अभी ये पूरा इलाका जो है ये बिल्कुल स्मॉग से भरा हुआ है। इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है जो हर बढ़ते दिन के साथ, हर आते दिन के साथ टेम्परेचर्स डाउन होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये पॉल्यूशन लेवल और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। सुबह शाम आने वाले दिनों में खास तौर
से नवंबर के पहले 10 दिनों के बारे में कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉग दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहने वाली है। अलग 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 जगहों में सिवियर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी, खास तौर से DU, गुड़गांव, नोएडा, मथुरा रोड, लोधी रोड, इन इलाकों में देखने को मिली है सिवियर कैटेगरी और वेरी पुअर कैटेगरी में पॉल्यूशन लेवल्स पहुंच गए हैं। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया।